मेरे पंचायत में 10 वार्ड है और एक बीडीसी और एक मुखिया है और संयोग से हमारे सांसद भाई भी आए हुए हैं, तो हम लोग साथ ही हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मिलजुल करके हम लोग प्रयास करेंगे कि 12 का 12 मेरे पंचायत का वोट आपको मिले और अदर पंचायत को भी। मेरे पंचायत में 10 वार्ड है और एक बीडीसी और एक मुखिया है और संयोग से हमारे सांसद भाई भी आए हुए हैं, तो हम लोग साथ ही हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मिलजुल करके हम लोग प्रयास करेंगे कि 12 का 12 मेरे पंचायत का वोट आपको मिले और अदर पंचायत को भी। दो ठोमला पहना है, महफिल सजी है, जो आयोजन हुआ है उस आयोजक को मैं धन्यवाद देता हूँ। कल की न्यूज है कि किसी मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने ये पुरानी पेंशन को लागू भी किया है। खैर, उससे हम अलग हटते हैं और अब दावत देने जा रहे हैं महुआरी पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष भी हैं श्री गुरु शंकर जी। लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है और हिंदुस्तानियों को इतनी तक आजादी नहीं है कि वो नमक तक कुछ चीज भी बना सके। यानी आप सबसे नीचे प्रतिनिधित्व तो करते हैं अपने पंचायतों में और आपकी बात इससे पहले हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि वार्ड की बात विधान परिषद में कोई उठाने की बात कही हो। आज तक जब तक ये भारत आजाद हुआ है तब तक ये बात कहीं हम लोगों को सुनने को नहीं मिली है। सारे भाइयों को प्रणाम सलाम, माँ बहनों को भी प्रणाम सलाम, हमारे बड़े भाई को विशेष रूप से प्रणाम। हम रईस खान आप लोगों के बीच में MNC प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय लड़ रहा हूँ और सिवान समस्त कोने कोने से जितने भी प्रखंड हम लोग लगभग घूम चुके हैं, 1900 प्रखंड घूम चुके हैं और जोरदार तरीके से जनप्रतिनिधियों का, सिवान के समस्त जनतों का आशीर्वाद, सहयोग, सपोर्ट मिलकर बहुत खुशी है और हम लोग रिकॉर्ड में से इस चुनाव को जीतेंगे। एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी MNC प्रत्याशी इससे पहले चुनाव लड़के जीत के गए हैं, शायद हमारे अनुसार वो रिपोर्ट है, कोई भी MNC प्रत्याशी अपना वादा नहीं किया होगा अपने प्रतिनिधियों से कि हम ये चीज करने जा रहे हैं चाहे ये चीज करेंगे। हमने साफ तौर से हमारे श्रीनिवास भाई भी बताया है कि अपने जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे पहले अगर सदन में चुन के जाते हैं तो पे की बात सदन में जरूर उठेगी और इसको लागू कराना मेरा दायित्व और मेरा सबसे पहला काम रहेगा। दूसरी बात कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आपातकाल स्थिति में कोई घटना हो जाती है तो हमारे तरफ से सबसे पहले 24 घंटे के अंदर उस फैमिली को 50,000 सहायता राशि मिलेगी। तीसरी बात, हम लोग कहेंगे सिवान के जितने भी समस्त जनता गरीब परिवार से आते हैं, जो इलाज के लिए सिवान में जाते हैं, सिवान सदर जाते हैं, वहाँ दवाओं की अभाव की कमी रहती है, तो जो भी सरकारी दवा उपलब्ध होती है उसके बाद जो दवा नहीं मिलता है उसको उपलब्ध कराने का काम हम करेंगे, ये वादा करते हैं और उसको पुरजोर तरीके से सिवान के विकास के लिए, सिवान के समस्त जनप्रतिनिधि के लिए उनके विचार पर हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे और जितना वादा हम कर रहे हैं आप लोग से जितना जल्दी हो चुनाव हो, चुनाव के बाद सदन जाने में जो आप लोग के सहयोग से आशीर्वाद से अगर चले जाते हैं तो सबसे पहले ये सब काम पूरा करके आप लोग के बीच में आएंगे। और इसके साथ दादा क्या बोलूं, फिर समय मिलेगा, फिर हम लोग दो चार जगह का प्रोग्राम है और आप लोग कभी भी हमारी जरूरत हो तो मेरा नंबर, अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे वार्ड मुखिया जिला प्रशासन सब लोगों के पास मेरा नंबर है, फोन कर दीजिएगा, जितना
हमें आने में लगेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को लगा देता हूँ। जय हिंद जय भारत।